स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्विंग पर। आज हम IPL की 10 टीम्स के ऊपर उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक पर बात करेंगे और उनकी डेप्थ जानने का काम करेंगे। बहुत ही जबरदस्त मामला है आज का। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना फीडबैक हमें बताइएगा। अब बस कुछ ही दिन बाकी है क्योंकि 31 मार्च से IPL 2023 शुरू होने वाला है और सबको पता है कि फास्ट बॉलर्स का रसूख कितना होता है अपकमिंग एडिशंस में। शुरू करते हैं आज मुंबई इंडियंस के साथ। IPL 2022 में खराब कैंपेन होने का ये भी किस्सा था कि मुंबई इंडियंस का फास्ट बॉलिंग पेस अटैक बहुत ही लचर दिख रहा था। लास्ट ईयर जसप्रीत बुमराह ही अकेले पूरा भाला उठाकर हटो बचो कर रहे थे। अरे टीम में और भी बॉलर्स थे जैसे टाइमल मिल्स, डैनियल सैम्स, बेजल थम्पी, जयदेव वुडनाटकट वगैरह वगैरह, लेकिन सपोर्ट बुमराह को कहीं से भी मिलने का नाम ही नहीं दे रहा था। और अब तो इस बार जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड हैं तो सवाल बहुत फ्रेंचाइजीज के सामने हैं। अच्छा बाकी सब दिए हुए नाम में से एक भी बचा नहीं है और टीम मैनेजमेंट ने सबको ही कांट छांट के किनारे का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन अब नए चेहरे और एकदम ही नए कलेवर के साथ फास्ट बॉलिंग अटैक होने वाला है मुंबई इंडियंस का, जिसमें जेसन बेरेंडॉफ, जुआन यानसन और कुमार कार्तिकेय जैसे डायनेमिक बॉलर शामिल हो चुके हैं। फिर इंग्लैंड के भिन्नाट बॉलर जोफ्रा आर्चर तो अटैक को लीड करेंगे ही, डिफरेंस तो उससे आ ही सकता है। अब बुमराह के रिप्लेसमेंट अनाउंस होने के बाद फ्रेश पेयर ऑफ अटैक्स के साथ MI IPL 2023 में उतरेगी और कहर बरपाने वाला काम करेगी। आप कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है आपको ये फास्ट बॉलिंग अटैक। चलते हैं अब अगली टीम के ऊपर, गुजरात टाइटंस। अटैकिंग और अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट की जब हम बात करेंगे तो वहां पर IPL 2022 में अपना डेब्यू मार्क करने वाली गुजरात टाइटंस का नाम आना तो लाजमी है ना यार। टीम के पास एक ऐसा लीडर है जो खुद एक मीडियम फास्ट पेस बॉलर है और अपनी साइड को फ्रंट से लीड करता है, तो वहां पर टीम जो है झाम फाड़ होगी। जब भी फास्ट बॉलिंग अटैक के लीडर में आप GT को देखोगे तो वहां पर इंडियन स्पीयरहेड मोहम्मद शमी अटैक को लीड करते हुए दिखेंगे, जिन्होंने GT के लिए IPL 2022 में सबसे अधिक विकेट्स लेने का काम किया था। तो अपनी फास्ट फायरी लाइन लेंथ और पेस से GT इस बार यही सोचेगी कि आखिरी कैंपेन जैसा ही मामला मोहम्मद शमी वापस से टाइटंस के लिए कर दे। अब तो फास्ट पेस फैक्ट्री में नाम आ चुका है शिवम मावी का भी, जिन्होंने एक अच्छा डेब्यू भी मार्क किया है टीम इंडिया के लिए। फिर ओडियन स्मिथ भी है, वो भार को मैनेज करेंगे। लेकिन एक बार जहां पर GT को डेंट लग गया है वो है जोशुआ लिटिल के ऊपर। अब अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते जोशुआ लिटिल इंजर्ड हो गए थे और इसी के चलते लिटिल PSL से भी बाहर थे। अभी तक कोई भी अपडेट जोशुआ लिटिल के बारे में आया नहीं है। अब अगर लिटिल फिट होते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी फास्ट बॉलिंग अटैक GT के लिए, क्योंकि स्किपर हार्दिक पांड्या भी बढ़िया टच में दिखते हैं जब एक फुल फ्लेज्ड बॉलिंग अटैक दिखता है उनका। तो टीम नंबर 3 दिल्ली कैपिटल्स, मानो या फिर ना मानो, बीते कुछ सालों में दिल्ली कैपिटल्स एक बहुत ही इंप्रूव साइड बनके उभरी है। 2019 से 2021 तक हमेशा से ही नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंची है। 2022 में भी यह कारनामा हो गया होता लेकिन मुंबई इंडियंस ने ऐसा होने नहीं दिया। कहा हम नहीं जा रहे, तुम भी मत जाओ, ऋषभ पंत इस साल नहीं होंगे तो उनकी जगह पर डेविड वार्नर अपनी टीम के ट्रूप्स को मार्शल करने का काम करेंगे। अरे इस बार तो दिल्ली ने अपने एक वेटरन साथी ईशांत शर्मा को भी टीम में शामिल किया है। अब ये देखना होगा कि मूव कितना चलता है। लेकिन उसके अलावा टीम में हाई प्रोफाइल पेसर्स का जमावड़ा जत्थे में तैयार हो रखा है, जिसमें नाम आता है लुंगी एंगड़ी, ऑनरिक नोकिया, खलील अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और कमलेश नागरकोटी का। अब देखो इतने बंतुल बुकारो में से टीम रेडी होगी कि आक्रमण किया जाए अपने ओपोनेंट्स के ऊपर और सबको ही सुलाने वाला काम कर दिया जाए अपनी फास्ट बॉलिंग से। और डेप्थ भी देखो अच्छी दिख रही है टीम में, तो हो सकता है यहां से अटैक शुरू हो और अपना मेडन IPL का खिताब हासिल करे मौजूदा पेस अटैक के साथ। दिलचस्प बहुत होगा। टीम नंबर 4 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बहुत ही लंबी प्यास है जो बुझाने के इरादे से उतरेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। और देखो बहुत ही लंबा इंतजार है फैंस की आंखों में जो थम सकता है IPL 2023 की ट्रॉफी जीतने से। फाफ टीम को लीड करेंगे और उनकी मेडन कैप्टनसी टेन्योर में टीम ने प्लेऑफ्स तक का सफर तय किया था IPL 2022 में। बहुत ही लीथल बॉलर हैं टीम के पास जॉश हेजलवुड के रूप में, लेकिन अभी वो इंजर्ड हैं और इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट और ODI सीरीज में भी इंक्लूडेड नहीं थे। रिपोर्ट्स सजेस्ट ये कर रही हैं कि हो सकता है जरूर ना खेलें इस बार का IPL। एक तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम बॉलर हैं और इसी साल एशेज है और तो और 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप भी है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम रिस्क नहीं लेगी, मुश्किल लगता है ऐसा तो। हाँ वैसे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हेजलवुड और RCB की टीम से नहीं हुई है। उसके बाद टीम में हर्षल पटेल है जो इंडियन टीम के लिए तो कतई नहीं चले, लेकिन RCB के बहुत ही मेन वेपन वाले बॉलर हो सकते हैं और अपने साथ बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस लेकर आते हैं, लेकिन कुछ समय से बहुत ही प्रेडिक्टेड लाइन लेंथ पर बॉलिंग कराते हैं जिससे मारे देखो बहुत जाते हैं हर्षल पटेल। लेकिन
भाई साहब फिर टीम में आते हैं इन फॉर्म बॉलर मोहम्मद सिराज, जो अपनी बॉलिंग से कहर बरपा सकते हैं। स्विंग, बाउंस और मूवमेंट इतना कि बैट्समैन की कहो तो कहीं धर्राटे काटने लग जाए। अब इतना सब जब कुछ हो गया तो टीम में एक एक्सपीरियंस बॉलर भी हैं सिद्धार्थ कौल के रूप में, जिनके पास हथियार है कटर्स, नकल बॉल्स, स्लोअर बॉल्स और यॉर्कर्स का। तो दोस्तों आरसीबी को अपने स्पीडस्टर पर निर्भरता दिखानी होगी अगर तो आईपीएल 2023 उनको जीतना है। कैसा लग रहा है इनका भी बॉलिंग अटैक? चला जाए टीम नंबर 5 पंजाब किंग्स की तरफ। जुगाड़ में तो पंजाब की भी टीम यही होगी कि इस बार बहुत हो गया, अब ट्रॉफी घर निकाल के टाइम ले जाने वाला आ गया है। जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक टीम सिर्फ 2 बार नॉकआउट स्टेजेस में पहुंची है, तो इस बार अपनी कंसिस्टेंसी से सारे ही क्रिटिक्स के मुंह पर कहा जाएगा मक्खन खाओ, दूध पियो, लस्सी पियो, लेकिन चकल्लस ना करो। अब वो कैसा होगा? ट्रॉफी ही जीत कर होगा। नया समीकरण भी चल रहा है, इस बार टीम की बागडोर होगी रील्स बनाने में मास्टर शिखर धवन के काबिल और मजबूत कंधों पर। फिर धवन भी सोचेंगे कि उनके फास्ट बॉलर्स काम करें ताकि मैच बनाया जा सके। पंजाब किंग्स की फास्ट बॉलिंग की जान कगिसो रबाडा है मेन सीनियर बॉलर रहेंगे टीम में, जिन्होंने आईपीएल 2022 में भी 13 मैचेस में 23 विकेट स्कैल्प करने का काम किया था। उसके अलावा टीम अपने लोकल टैलेंट अर्शदीप सिंह के ऊपर बहुत रिलाई करेगी, स्पेशली इनिंग्स के स्टार्ट और डेथ ओवर्स में। अर्शदीप सिंह वैसे भी पहले से ज्यादा पके हुए चावल बनके अपनी सर्विसेज को देने का काम करेंगे पंजाब किंग्स के लिए। उसके साथ ही टीम में आईपीएल 2023 की सबसे महंगी साइनिंग सैम करन भी आ चुके हैं और टीम को बहुत ज्यादा वाली उम्मीद होगी कि सैम भाई क्लॉक करें टीम के लिए। फिर फास्ट बॉलिंग में नाम आएगा बलतेज सिंह और विधवत केवरप्पा जैसे इंपैक्टफुल फास्ट बॉलर्स का। टीम नंबर 6 सनराइजर्स हैदराबाद। एडन माकरम के हाथों में एसआरएच की कमान जा चुकी है और अब माकरम डेविड वार्नर की ही तरह 2016 वाला करिश्मा दोहराना चाहेंगे आईपीएल 2023 में। 2 बार से ऐसा सिड़म परफॉर्मेंस आ रहा है उसको तो सनराइजर्स हैदराबाद भूलना चाहेगी पहली फुर्सत में। बहुत ही फॉर्मेटेबल लाइनअप है सनराइजर्स के पास फास्ट बॉलिंग आर्सेनल में। टीम में भुवनेश्वर कुमार जैसे एक्सपीरियंस और सीजन बॉलर है, हाँ थोड़ा सा बूवी आउट ऑफ टच है, लेकिन आईपीएल 2023 एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर अपनी स्विंग के रोले से भुवी ओपोनेंट के स्टंप्स को उखाड़ के हपक सकते हैं। बहुत अच्छा चेंज है एसआरएच स्क्वाड के पास अपनी फियरलेस फास्ट बॉलिंग से ओपोनेंट्स के ऊपर चढ़कर बॉलिंग कराने का और एक बहुत ही अच्छी यूनिट बनकर सामने आने का। भुवी की गाइडेंस में टीम में इंक्लूडेड है उमरान मलिक, मार्को यानसन, टी नटराजन, कार्तिक त्यागी, फजल हक फागरूकी जैसे बहुत ही अच्छे बॉलर्स जो अपनी रॉ पेस से और उसके बाद अपनी डिसिप्लिन लाइन से इकोनॉमिकल स्पेल्स करा के ओपोनेंट्स को बैकफुट पर ढकेलने का काम करेंगे। टीम नंबर 7 कोलकाता नाइट राइडर्स। अब देखो पिछले कुछ सालों से केकेआर अपना परफॉर्मेंस वैसा क्लच नहीं कर पा रही है जिसके लिए अमूमन 2 टाइम की आईपीएल ट्रॉफी चैंपियन जानी जाती है, लेकिन जब बात फास्ट बॉलिंग अटैक की आएगी तो वहां पर इस साल टीम अपनी परफॉर्मेंस से कॉम्पनसेट करने वाला काम करेगी आईपीएल ट्रॉफी जीत के। अब रिपोर्ट्स के अनुसार केकेआर के स्किपर श्रेयस अय्यर मिस आउट कर सकते हैं आईपीएल 2023 के कुछ मैचेस से, ये एक नेगेटिव हो सकता है। लेकिन फास्ट पेस आर्सेनल में आईपीएल 2022 में टीम के लिए टीम साउदी आंद्रे रसल और इंडियन पेसर उमेश यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी और वही सेम जादू तीनों फिर से करने वाले के दौर में होंगे और टीम के मेन फेस होंगे। अब सोने पर सुहागा ये बात भी है कि टीम में इस बार शार्दुल ठाकुर और लोकी फर्गसन के रूप में एक एडिशनल सपोर्ट भी रहेगा, जहां पर शार्दुल अपने ब्रेक थ्रूज के लिए जाने जाते हैं और फर्गसन अपनी पेस के साथ विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा अटैक है जो आईपीएल 2023 में मार्च कर सकता है एक लीडिंग साइड के लिए। अब समय बताएगा कौन कैसा परफॉर्मेंस निकालता है। टीम नंबर 8 राजस्थान रॉयल्स। इंजरी का दौर चल रहा है तो वहां पर आरआर इससे अनछुई नहीं रह गई। प्रसिद्ध कृष्णा ऑलरेडी आउट ऑफ एक्शन है और अब रिपोर्ट्स आ रही है ओबिड मैकॉय भी बाहर हो सकते हैं अपकमिंग आईपीएल इवेंट से, तो मैटर हल्का लग रहा है। आईपीएल 2022 की रनर अप टीम हल्के में खोलना नहीं चाहेगी अपना हिसाब किताब, समझ रहे हो ना। अब पूरा दारोमदार जो है वो शिफ्ट होगा ट्रेंट बोल्ट, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन और हाँ अब तो संदीप शर्मा भी रोप इन कर लिए गए हैं और ट्रायल्स भी चल रहा है शर्मा का, तो वो भी बहुत एफिशिएंट होंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए। और टास्क देखो बहुत ही बड़ा होगा क्योंकि आईपीएल 2022 में ऐसा परफॉर्मेंस किया था उसको डाउन करने का काम तो करेगी नहीं संजू सैमसन एंड कंपनी। अब यूनिट में बोलर्स अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स को यूटिलाइज करने का काम करेंगे और अपनी टीम को गो थ्रू कराने का भी काम करेंगे। टीम नंबर 9 लखनऊ सुपर जायंट। अब देखो यार मार्क वुड आईपीएल 2022 में खेल नहीं पाए थे लेकिन उनकी कमी को बहुत सही तरीके से पूरा किया था मोहसिन खान और आवेश खान ने। दोनों पेस डुओ ने 32 विकेट स्कैल्प किए थे एक साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार लास्ट ईयर की खोज मोहसिन खान इस बार डाउटफुल लग रहे हैं इंजरी के चलते। आवेश खान ने बॉलिंग बहुत जबरदस्त कराई लेकिन रन बहुत दे डाले, तो थोड़ा सा इकोनॉमी रेट को ध्यान देने वाली बात रहेगी। वैसे टीम के पास इस साल डैनियल सैम्स, नवीन उल हक और रोमारियो शेफर्ड के रूप में फास्ट बॉलिंग में रिजर्व आर्सेनल तैयार है, फिर ये एक तगड़ा बैकअप होगा। और दो और आईपीएल 2023 में मार्क वुड भी
जा रहे हैं और टीम उनके ऊपर बहुत रिलाई करेगी। एक टीम तो बहुत ही जामफाड़ लग रही है एडिशनल सपोर्ट के लिए। एक और मामला है मार्कस टोइनिस और युधवीर सिंह के रूप में भी बोलर्स हैं जो बॉलिंग यूनिट को फायदा बहुत पहुंचाएंगे। आखिरी टीम टीम नंबर 10 चेन्नई सुपर किंग्स। पहले तो बहुत अच्छी बात कि दीपक चहर पूरी तरीके से फिट हो गए और सीएसके के लिए ये बात बहुत ही वाइटल होगी। फिर एक बुरी बात, अब मुकेश चौधरी जो आईपीएल 2022 में सीएसके की तरफ से स्टार थे उनकी फिटनेस के ऊपर काले बादल आ चुके हैं। अब एक और अच्छी बात, बेन स्टोक्स के रूप में एक मीडियम फास्ट पेस बॉलर है टीम में इंक्लूडेड हुए हैं और कायल जेमिसन के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम ने सिसाना मगाला को साइन अप कर लिया है टीम में। तो फिर ऑन एंड ऑफ अटैक थोड़ा सा लग सकता है सीएसके का फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन सपोर्ट को लेवल अप करने के लिए टीम में तुषार देशपांडे, आर हंगरगेकर, मथीसा पतराना इंक्लूडेड है। अब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मामला परवान चढ़ेगा, लेकिन अभी के लिए अटैक थोड़ा सा वीक दिखता है एज कंपेयर टू दी अदर अटैक्स। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने में ज्यादा गुरेज मत करना, और हाँ वो घंटा होगा वो जरूर दबा देना, उससे आपको स्विंग की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इधर से वीडियो अपलोड किया जाएगा उधर से आपको पता चल जाएगा। चलो जा रहे हैं, फिर मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ही जबरदस्त ख्याल रखना। नमस्कार।